नमस्कार फ्रेंड्स, मैन इन रोड्स में आपका स्वागत है। ये हमारे चारधाम सीरीज का 13th एपिसोड है। आज हम आपको लेकर जाएंगे चोपता तुंगनाथ से बद्रीनाथ धाम, जो कि यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते के सीनिक व्यूज एंजॉय करने के लिए और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय श्री बद्री विशाल। हम निकल गए हैं चोपता से बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ धाम यहाँ से लगभग है 180 किलोमीटर दूर चोपता से। अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। तब तक आप रास्ते के सीनिक व्यूज लीजिए और प्रकृति का आनंद उठाइए। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड चार धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हिमालय की तलहटी में स्थित बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड चार धाम यात्रा के दौरान हजारों लाखों श्रद्धालुओं से गुजार रहता है। ऋषिकेश से लगभग 300 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ मंदिर तक पर्यटक मोटर मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच पाते हैं, क्योंकि केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर की तरह यहाँ पहुंचने के लिए पैदल ट्रैक नहीं करना होता। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा है, जो कि चमोली जिले के सतोपंथ ताल ग्लेशियर से निकलती है। अभी हम पहुंच गए हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर क्रॉस कर रहे हैं हम, इसके बाद आएगा चमोली। चमोली मार्केट और कर्णप्रयाग, सीधा आगे है कर्णप्रयाग और लेफ्ट में टर्न लेंगे तो बद्रीनाथ। चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। यहां से बद्रीनाथ रह गया है अभी 89 किलोमीटर और माना है 93 किलोमीटर। जोशी मठ 45। बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत यात्री सामान्यतः ऋषिकेश हरिद्वार से ही करते हैं। चारधाम यात्रा कर रहे यात्री पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शनों के बाद बद्रीनाथ मंदिर पहुंचते हैं। सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए यात्रियों को ऋषिकेश से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और हरिद्वार से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सड़क मार्ग में पड़ने वाले कुछ प्रमुख स्थान हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ धाम। अब हम एंटर करने जा रहे हैं पीपलकोटी में। ये है पीपलकोटी का पेट्रोल पंप। यहाँ से पेट्रोल फिल करते हैं फिर आगे चलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। हम आपको बता दें कि आप हो सके तो ट्रेन के द्वारा ही हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे सस्ता और अच्छा तरीका बस से है, क्योंकि हरिद्वार से बहुत सारी बसें बद्रीनाथ के लिए चलती हैं। जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी टिकट एजेंसी बनी हुई है, जहां से आप हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए टिकट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप हरिद्वार बस स्टेशन से भी जाकर बस टिकट ले सकते हैं बद्रीनाथ जाने। हम इस वक्त पार हो रहे हैं जोशीमठ से। हम इस वक्त हनुमान चट्टी से थोड़ी ही दूर हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारे देखने के लिए रुक गए हैं। ये देखिए, ये बह रही है अलकनंदा रिवर और सीनिक व्यूज देखे यहाँ के आप, ब्यूटीफुल। हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकते हैं
और फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए बद्रीनाथ के लिए शाम को कोई भी बस नहीं मिलती, क्योंकि सभी वाहनों को शाम के लिए रोक दिया जाता है। किसी भी वाहन को शाम को जोशीमठ के आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती, इसीलिए आप हरिद्वार से जोशीमठ बस से आ जाइए। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह वहां से बहुत सारी शेयर टैक्सी चलती हैं और शेयर बोलेरो भी चलती हैं, जो 100 रुपये का किराया लेती हैं, जिससे आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर आप देहरादून हवाई जहाज से आए हैं तो देहरादून पहुंचने के बाद भी देहरादून से सुबह 4 बजे से 7 बजे तक 3 से 4 बसें बद्रीनाथ के लिए चलती हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचकर प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ तक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 8 से 10 हजार रुपये चार्ज करेंगे। ये आपको राउंड ट्रिप में ही बद्रीनाथ यात्रा कराएंगे। पहले दिन ये आपको बद्रीनाथ धाम लेकर जाएंगे, पहले आप बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए, फिर दूसरे दिन आप माणा गांव और आसपास के जगह घूम लीजिए और शाम तक ये आपको हरिद्वार वापस लेकर आ जाएंगे। बद्रीनाथ में आप 3 तरीके से रुक सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन ये है कि वहां पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जहां पर आपको 200 रुपये से 300 रुपये में रात को रुकने के लिए रूम मिल जाता है। यहाँ पर GMBN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है, जहाँ पर आपको मात्र 1000 रुपये में रूम मिल जाता है। इसकी बुकिंग आप वहाँ जाकर भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा बद्रीनाथ में और भी बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर 2500 रुपये से 4000 रुपये तक का रूम मिलेगा, और अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 800 रुपये से 1500 रुपये में यहाँ पर रूम मिल जाता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल। ये देखिए बद्रीनाथ धाम, ये रात का समय है। देखिए बद्रीनाथ मंदिर कैसे चमक रहा है। यहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट है, एक तो यहाँ से और एक एंट्री पॉइंट है यहाँ से। जैसे मेनली लोग यहीं से जाते हैं अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए, यहाँ से अंदर जाके,
और सामने है मुख्य द्वार जहाँ पे घंटी टकी है, वो है मुख्य द्वार मंदिर का। वहां से अंदर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन करने के बाद एग्जिट यहाँ से होता है, अंदर दर्शन करने के बाद इस साइड से एंट्री होती है। ये है गेट, गेट नंबर 3 भी बोलते हैं इसको। यहाँ से बाहर आते हैं, देखिए अलकनंदा नदी बह रही है। बद्री विशाल मंदिर के ठीक सामने से जाती है अलकनंदा नदी, और यहाँ पे 2 तप कुंड भी हैं। उधर है महिलाओं का उस साइड, और इधर साइड है पुरुषों का, जिसमें गर्म पानी है और आप इसमें स्नान कर सकते हैं। तरीके से भाप निकल रही है गर्म पानी की।